कक्षा 5 की एट ग्रेड अभ्यास पुस्तक के इंग्लिश के लेसन नंबर 2 को। इस लेसन का नाम है बच्चों फेस द प्रॉब्लम्स। तो इस लेसन का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है आर जंपिंग चैटरिंग रनिंग एंड लीपिंग नाउंस और वर्ब्स। तो ये जो जंपिंग चैटरिंग रनिंग और लीपिंग ये दिया है, ये नाउंस हैं या वर्ब्स हैं? तो बच्चों ये वर्ब्स हैं यानी कि क्रियाएँ हैं, ठीक है। यहाँ कुछ काम हो रहा है, ठीक है, ये किसी के नाम नहीं है, इसलिए ये क्या है, वर्ब्स हैं। अब चल बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है व्हाट इज़ द अपोजिट फॉर द वर्ड फार। फार वर्ड का हमें अपोजिट वर्ड बताना है बच्चों। तो फार का मतलब होता है बच्चों दूर, इसका अपोजिट होगा नियर। नियर मीन्स होता है पास। अब चल क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हु इज़ द ग्रेट सन ऑफ इंडिया। इंडिया के महान बेटे कौन है? तो इसका आंसर होगा बच्चों स्वामी विवेकानंद इज़ द ग्रेट सन ऑफ इंडिया। जो स्वामी विवेकानंद हैं वो इंडिया के महान सन हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है हाउ मैनी पीपल वर देयर अलोंग द घाट। घाट के पास कितने पीपल थे, मतलब कितने लोग थे? तो इसका आंसर आप लिखेंगे देयर आर मैनी पीपल अलोंग द घाट। घाट के पास बहुत सारे पीपल थे, मतलब बहुत सारे लोग थे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों व्हाट डिड डिवोटीज ब्रिंग फॉर द मंकीज। जो डिवोटीज थे वो मंकीज के लिए क्या लेके आए, बंदरों के लिए क्या लेके आए? तो इसका आंसर होगा द फ्रूट्स एंड सीरियल्स ब्रॉट फॉर देम बाय डिवोटीज। जो फल और कुछ अनाज मंकीज के लिए लेकर लाए वो डिवोटीज लेकर आए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों हाउ डिड द मंकीज रन अवे। जो बंदर थे वहाँ से कैसे भाग गए? तो इसका आंसर होगा समटाइम्स दे स्नैच्ड अवे द फूड द विजिटर्स हैंड। कभी कभी वो क्या था, बच्चे वो बंदर थे वो जो विजिटर्स मतलब वहाँ घूमने आए लोगों के हाथ से कुछ खाना वगैरह छीन लेते थे और फिर उसके बाद भाग जाते थे, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 ये, तो ये है वाई वाज नरेंद्र फ्राइटेंट। फ्राइटेंट का मतलब होता है बच्चों डरना या फिर आतंकित होना। तो जो नरेंद्र थे वो डर गए या फिर आतंकित किस वजह से हो गए, ठीक है। तो इसका आंसर लिखेंगे आप नरेंद्र फ्राइटेंट वाज बिकॉज ही इंक्रीज हिज पेस एंड फाइनली रनिंग, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर लिख लीजिएगा आप। अब चलते हैं अगले बच्चों, अब हम इस लेसन के असाइनमेंट 2 को करेंगे। असाइनमेंट 2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है राइट द प्लूरल फॉर द वर्ड मंकी। मंकी का हमें प्लूरल वर्ड बताना है, तो इसका प्लूरल हो जाएगा बच्चों मंकीज। मंकी जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है वो है वेयर वाज नरेंद्र वॉकिंग। नरेंद्र कहाँ टहल रहे थे या फिर कहाँ वॉक कर रहे थे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बच्चों नरेंद्र वॉज वॉकिंग अराउंड द घाट। घाट के आसपास वो वॉकिंग कर रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है बच्चों वो है हाउ डिड नरेंद्र फेस द मंकीज। नरेंद्र ने मंकीज को कैसे फेस किया या फिर बंदरों का कैसे सामना किया? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र फेस द मंकीज टर्न बैक एंड स्टूड फर्म बिफोर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर लिख लेंगे बच्चों। इसी के साथ बच्चों हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।